दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों मैं आज आपको इस बेहतरीन सी वीडियो में यानी कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हो नमकीन बनाने का। ये जो मशीन है मेन मशीन ये वाली है, इसमें सभी प्रकार की नमकीन बनेगी। हाँ, अच्छा सर, ये जो हमारे पीछे जो मशीन है इसमें सिर्फ नमकीन ही बनेगा या कुछ और भी बन सकता है? ये मशीन खाली नमकीन के लिए है। अच्छा, जैसे नमकीन है अपना नमकीन गाठिया सेव पापड़ी फाफड़ा वो सब बनाने के लिए। ठीक है, तो एक बार सर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए हर मशीन के बारे में। ऐसे बता देता हूँ, ये जो मशीन है मेन मशीन ये वाली है, इसमें सभी प्रकार की नमकीन बनेगी। उसके अंदर 10 डाई आती है अलग अलग। आप जैसे जैसी डाई लगाएंगे उस हिसाब से नमकीन इसमें बनेगी। ठीक है, इसमें 10 डाई आती है अलग अलग, पापड़ी की, चंपाकली गाठिया गाठिया, हाँ जी, सेव का 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सेव। अच्छा, इस टाइप की 10 डाई आएगी आपको मशीन के साथ में। हाँ। तो इसके जो स्पोर्टिंग मशीन में देख रहा हूँ सर, ये क्या चीज है थोड़ा सा बताइए? बेसन का जो आटा मिक्सिंग मशीन है, बेसन बनाने के लिए जो नमकीन बनाने के लिए जो आटा जो गूंथना पड़ेगा, गूंथना पड़ता है ना, वो ये मशीन में काम आता है। ठीक है, और इसका सर जैसे स्टार्टिंग में जो नया धंधा भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितना कैपेसिटी वाला लेना चाहिए थोड़ा सा बताइए? स्टार्टिंग के लिए हम 10 किलो का बहुत है। हाँ। इसमें 10 किलो बेसन आटा रेडी करना है तो आपको 10 मिनट लगता है। तो एक छोटा सा एक उधर और कुछ रखा है? हाँ, ये जो है ना, हाँ ये हमारे गुजरात में ही चलता है मशीन ज्यादातर, फाफड़ा गाठिया। अच्छा, आप खाए होंगे शायद? फाफड़ा खाया सर, फाफड़ा जलेबी के साथ। तो ये मशीन में सब लोग ये हाथ से बनाते हैं ना। हाँ, हाँ। ये मशीन में भी एकदम आसानी से आप बना सकते। ठीक है, तो आइए मुकेश जी मैं दिखाता हूँ आपको बेसन नमकीन का आटा कैसे मिक्स करते हैं, आटा कैसे गूंथते हैं ये मशीन में। ठीक है, करके दिखाता हूँ। ठीक है सर, 10 किलो बेसन है, हाँ जी, ऑयल है, नमक है और पानी है। पानी है, ठीक है, ये मशीन में हम ये पूरा मिक्स करेंगे जी। अभी स्टार्ट करते हैं मशीन को। सबसे पहले तो हम इसमें ऑयल मिक्स करेंगे, सिंग तेल है, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। इसमें नमक, अभी यह सोडा हम थोड़ा मिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, जब तक ये तैयार होता है आटा, मुझे ये मशीन की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इसमें जो मोटर है वो कितने एचपी की लगी हुई है? इसमें मोटर जो लगी है 1.5 एचपी की लगी है, मतलब एक घंटे में 1.5 यूनिट। हाँ, एक घंटा पूरा लगातार कंटिन्यू चलेगा तो 1.5 यूनिट का खर्चा है। ठीक है, और कैपेसिटी आपने बताई दिया कि 10 किलो या 10 किलो ड्राई आटा डाले है। अभी उसमें हम पानी अटैच करेंगे। इसमें छोटा भी मॉडल आता है आपके पास में? 5 किलो का आता है, 5 किलो वाला, 5 किलो, फिर बड़ा बड़ा 20 किलो, 30 किलो तक है। ठीक है, एक साथ में 30 किलो आटा हो जाए इसका। अभी हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे। इसमें आटा है ना एकदम उसका सॉफ्ट रहना चाहिए, टाइट आटा इसमें नहीं चलता है बिल्कुल। ये अपना आटा तैयार हो गया है, इसका नमकीन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मुकेश जी, हमारा ये बेसन का आटा है मशीन में रेडी करके इस चौकी में निकाल लिया है जी। अभी हम सेव बनाते हैं, सेव बनाने का कैसे बनता है ये मशीन में हम दिखाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो ये मशीन में थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ जी। ये चैम्बर है, हाँ, 9 इंच का है। ठीक है सर, और वो पूरा SS का है, MS का नहीं है, SS का है जी। तो इसको आपको जंक नहीं लगेगा, फूड ग्रेड SS का है। ठीक है, और इसमें जो मोटर लगाया है वो 1 HP का मोटर है। हाँ जी, उसका 1 साल का आपको वारंटी गारंटी है, 1 साल का मोटर का। मोटर सब आप खुद ही बनाते हैं? हमारा फैक्ट्री में खुद ही बनता है, 1 साल का उसको आपको गारंटी रहता है। लेकिन अभी उसको इसमें जाली कैसे लगाना है वो बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। हाँ जी, ये नीचे का ढक्कन खोल देना है जी। इसमें सर जैसे ये 9 इंच का है, इससे छोटे या बड़े मॉडल? इससे छोटा मॉडल एक आता है, 7 इंच का आता है। हाँ। इसमें कितना मान के चले सर, 1 घंटा में कितना प्रोडक्शन ये निकाल सकता है? इसमें 1 घंटे में आप, वो तो आपके स्पीड के ऊपर है। हाँ। इसमें तो आटा डाल दिया तुरंत हाँ। ये बाउल भर जाता है, फिर आपको कढ़ाई कितना छोटा मोटा रखा है उसके ऊपर पूरा रहता है। ओके, ये सेव बनाने की डाई है। सबसे पहले हम आप इस मशीन में सेव कैसे बनती है वो दिखाते हैं। ठीक है, इसको लगाना एकदम सिंपल है जी। यहाँ पे बिठा दे के, हाँ जी, यहाँ बस
बस इसको बोल्ट सेट करके लॉक कर देना। ओके, दो लॉक आया लॉक कर देना, डाई लगा के पूरा लॉक कर दिया। हाँ जी, बस और कुछ नहीं करने का है जी। अभी ये तेल गर्म हो जाएगा हाँ, तो फिर हम सेव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मशीन इसका स्टार्ट कर देते हैं। कौन तैयार है नाग जी? अच्छा, एक मिनट सर, मशीन स्टार्ट करने के लिए स्विच है, स्टार्ट कर दे करना। ठीक है, और इसमें पूरा तेल में डूबना चाहिए। ओके, हाँ, फिर उसको उसमें आटा डालना है, नाक पर डाला। ये सही है सर, बड़ा फास्ट काम होता है, फास्ट काम हुआ ना, है ना? और एकदम मस्त, देखो कितना सही होता है। 2-3 सेकंड ही लगी है बस इसको करने में। हाँ, अभी थोड़ा सा बस इसको हल्का सा क्रिस्पी होने तक सिकाई करना है। हाँ, बस निकाल लेंगे, क्रिस्पी होने का पक गया है, अभी इसको हम निकालते हैं। और इसके बाद इसमें सर हलवाई जैसे बनाते हैं ना उसी टाइप का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बढ़िया एकदम लाजवाब भुजिया तैयार हुई है। और इसके बाद में जैसे अभी सर ने बताया था कि ड्रायर, आप चाहो तो इसमें से जो तेल है, एक्स्ट्रा तेल है, वो निकालने के लिए ड्रायर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुकेश जी, आपने ये सेव तो बना लिया जी, अभी ये पापड़ी का डाई लगाते हैं। हाँ, और पापड़ी कैसे निकलती है वो आपको हम बता दिखाते हैं। ठीक है, नाक नाक देखे कैसे बनती है। जी जी, मुकेश जी हमने पापड़ी दिखा दिया। हाँ, बना के अभी हम चंपाकली गाठिया बनाएंगे। हाँ, तो अभी इसके लिए ये डाई हम लगाएंगे। ये चंपाकली फेमस है, चंपाकली बहुत हमारे यहाँ सौराष्ट्र गुजरात में बहुत फेमस है। ओके, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। ठीक है, अभी हम ये लगा चुके हैं। हाँ, वो बना के आपको टेस्ट कराएंगे, बताइए आप। बढ़िया सर, हाँ कीजिए। देखो है ना, बढ़िया लाजवाब। तो आपके गुजरात में सर ये ज्यादातर तो ये मशीन से ही करते होंगे लोग, फिर यहाँ पे काम? हाँ यार, अब सब मशीन से ही ज्यादा काम करते हैं। प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है, और प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, हाइजेनिक होता है, हाइजेनिक होता है, मेहनत कम होती है, मेहनत कम, और मेन बात तो कारीगर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना हाथ से करेगा तो स्पेशल इसका कारीगर रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया है ये तैयार। एक मिनट भी नहीं लगता इसको तैयार होने में, टाइम नहीं लगता। मुकेश जी, अभी हमने ये चंपाकली निकाल दिया है, अभी डाई भी लगा दिया है हमने। सबसे ज्यादा जो गाठिया लोग खाते हैं ना जी, वो डाई लगाया है। हाँ, वो जो जैसे मिसल पाव में वो रहता है न, सब कहीं सारी चीजों में। हाँ, ये गाठिया सब लोग पसंद करते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? भावनगरी गाठिया बोलते हैं, भावनगरी गाठिया। ठीक है, एक बार पलटना है और उसको ज्यादा पकाना नहीं है, तुरंत निकाल दीजिए। सर हो गया तैयार, ये आपको भी मालूम पड़ने। हाँ सर, आपके साथ सीख गए ना सब। अभी एक थोड़ा मोटा गाठिया का जाली हम लगाते हैं। हाँ जी, ये बना के दिखा देते हैं। ओके, जो अभी साइज निकला उससे थोड़ा मोटा रहता है, इससे थोड़ा मोटा रहेगा। ठीक है, जबरदस्त मशीन लगी सर। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि बस एक इसी मशीन का काम है मेन, तो है ना? यही मशीन मेन काम, यही मशीन का है। ये मशीन की जरूरत पड़ेगी, बाकी कोई आटा गूंथ हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, सही बात है। मगर मेन चीज ये वाली मशीन है। जी जी जी, करिए। ये ओरिजिनल गाठिया ये है। ठीक, और अभी हम इसके बाद फिर देखेंगे फाफड़ा। हाँ फाफड़ा, उसका मशीन अलग आता है। ठीक, फाफड़ा का मशीन अलग आता है। ठीक ठीक, वो भी हम दिखा देते हैं जी। अभी हम ये फाफड़ा गाठिया बनाने का मशीन है। ज्यादातर हमारे गुजरात में फाफड़ा गाठिया बहुत फेमस है जी। जैसे मालूम हो तो आपको जेठालाल देखते हैं, तो जेठालाल फाफड़ा गाठिया का इसका फेवरेट है जी। जैसे ही वो गाठिया कैसा बनते हैं इस मशीन में वो आपको दिखाते हैं जी।
इसे आटे का ऐसा छोटा छोटा लोया कर देना है। हाँ। बस इसके ऊपर रखना है, ये फाफड़ा हो गया। ओके ठीक है। हाँ जी बड़ा बड़ा है। हाँ जी टाइम भी लगेगा सर उसमें। हाँ ये फाफड़ा बनके तैयार है और ये देखिए ये छोटी सी मशीन है, तो इस तरीके से आप फाफड़ा बना सकते हो। और इसके अलावा जो तीन चार आइटम हमने आपको बना के दिखाए थे वो भी सब आप इजीली बना सकते हो घर पे। गुजराती लोग तो ये सब नमकीन प्रोडक्ट बहुत सब पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये समझ लीजिए कई जगह पे 200 रुपया किलो मिलती है, 300 रुपया किलो, 400 रुपया किलो तक ये प्रोडक्ट बिकता है। हाँ। और इसमें लागत समझो कितना होगा सर? लागत कुछ भी नहीं है, 50% के ऊपर। 50% से भी कम? हाँ 50% से भी कम रहे, कम इसकी लागत रहेगी। लागत रहे इसको क्या है, इसको अच्छे से बढ़िया सा पैकिंग करना है। खुद का ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, स्टिकर बना के आप अपना खुद ब्रांडिंग करेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छी तरह सप्लाई कर सकते हैं। ये जो मशीन है आपने देखी ना। हाँ। खुद का ही मैन्युफैक्चर, ऐसा नहीं कि हम बाहर से लेकर ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, हाँ। और बेचते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर। ये तो ये मशीन तो और भी बहुत सारी मशीनें हम बनाते हैं। हाँ। लगभग समझ लीजिए 100 प्रकार की मशीनें हम यहाँ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारा पूरा सेटअप है, पूरा इन हाउस है जी। हम मशीन के पार्ट्स भी हम खुद ही बनाते हैं जी जी जी। और पूरा फैक्ट्री हम आपको ये वीडियो में ही दिखाएंगे कैसे पार्ट्स बनता है, कैसा हमारा सेटअप है जी जी। और क्वालिटी का और कस्टमर का बहुत अच्छी तरह से हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ के वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडिया के साथ या दमदार किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।